स्वागत है आपका इंडिया टीवी, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश की सियासत में आजकल अजब गजब स्टंट चल रहा है। 9 घंटे की सीबीआई पूछताछ के बाद जब सिसोदिया बाहर निकले तो सनसनीखेज दावा कर दिया। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें ऑफर दिया गया था, या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो या फिर जेल में रहो। जवाब आज बीजेपी ने दिया। कपिल मिश्रा ने शाम 5 बजे तक की डेडलाइन दी है कि सिसोदिया इस बात के सबूत दें, नहीं तो माफी मांगे। दिल्ली में हिट एंड रन की इस पॉलिटिक्स के बाद सिसोदिया गुजरात चुनाव प्रचार के लिए चले गए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतने के बाद पूरी ताकत गुजरात में लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया किसी भी वक्त अरेस्ट कर लिए जाएंगे, ये माहौल आम आदमी पार्टी कई दिनों से बना रही है। सवाल है, क्या यह सब केजरीवाल की पार्टी का सोचा समझा स्क्रिप्टेड स्टंट है? और ऐसा कहने और करने से पब्लिक के बीच कुछ करंट बन भी रहा है? जवाब गुजरात की जमीनी हकीकत वाली इस रिपोर्ट में देख लीजिए। 100% बीजेपी आने वाले गुजरात में, भाजपा की और भाजपा की नहीं आ सकती आम आदमी पार्टी। मोदी को वोट दीजिए। मोदी 100% मोदी जी आने वाले, मोदी आएगा। मोदी देख रहे हैं ना, अच्छे दिन आ गए। मोदी 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 सब कुछ है। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। गुजरात में केजरीवाल की नहीं मोदी की लहर है। कांग्रेस ज्यादा दिख नहीं रही है, मोदी तो चुनाव से पहले ही विनर दिख रहे हैं। गुजरात का वोटर किसी भी उम्र का हो, सबके लिए वोट का सबसे बड़ा फैक्टर मोदी ही है। केजरीवाल सब फेक है, केजरीवाल एक नंबर का झूठा है, झूठा है। दिल्ली में कुछ नहीं हुआ, एक नंबर का झूठा। केजरीवाल की एक सीट नहीं आएगी। अगर कोई मोदी जिंदा, वो भीड़ वहाँ से लेकर आते हैं पैसे, असली गुजराती हो गया, वो मोदी को ही वोट देगा। कोई नेता ही नहीं है कांग्रेस के पास। कभी मैं कभी देखता ही नहीं किसी को, सिर्फ बीजेपी। अगर पब्लिक का रिएक्शन गुजरात इलेक्शन का सेंटीमेंट है, तो फिर तय मानिए मोदी कहीं नहीं जा रहे। गुजरात में मोदी ही बीजेपी को वापस ला रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो नेशनल मूवमेंट जो चलाया था, उसकी सफलता इसीलिए थी क्योंकि वो जन आंदोलन था। कि आज जो है नरेंद्र मोदी ने राजनीति को एक किस्म से जन आंदोलन बनाया, खाली राजनीति को नहीं, देश का परिवर्तन जो है उसको उन्होंने एक जन आंदोलन बनाया। आपको लगेगा कि इस प्रधानमंत्री में और जो उनके पहले जो भी थे, फर्क क्या है उनके बीच में और दुनिया में आज जो बाकी लीडर्स जो हैं उनके बीच में फर्क क्या है, कि ये जो हैं ये पब्लिक को, अपने लोगों को, अपने पूरे देश को साथ ले चल पा रहे हैं इस परिवर्तन के यात्रा पे। इस बीच विरोधी क्या कर रहे हैं? केजरीवाल के वॉरियर्स मोदी को धमका रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर लगे करप्शन वाले आरोप पर इलेक्शन वाला बाम लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया खुद को विक्टिम बता रहे हैं। केजरीवाल ने तो अभी से गुजरात के संभावित नतीजे डिक्लेयर करने शुरू कर दिए हैं। अभी तक तो पब्लिक की नजरों में मोदी ही विनर है, लेकिन केजरीवाल मोदी का कॉम्पिटिटर बनने की ख्वाहिश लिए बैठे हैं। पूरी डिटेल आगे देंगे। एक दूसरा प्लेयर भी है जो इन दिनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ने के बहाने वोट बटोरने वाली यात्रा पर निकला है, यानी राहुल गांधी। कांग्रेस मोदी का छोटा, राहुल को बड़ा नेता प्रोजेक्ट कर रही है। सोशल मीडिया पर सिंहासन खाली करो वाला नैरेटिव चला रही है। मत चुनना कमल का फूल वाला संदेश भेज रही है। जय कांग्रेस विजय कांग्रेस वाला टेक्स्ट सोशल मीडिया पर घुमा रही है। गुजरात कांग्रेस जमीन पर उतनी अग्रेसिव नहीं दिख रही है। हां, ट्विटर पर कांग्रेस की सरकार जरूर बना रही है। राहुल ही गुजरात दिलाएंगे, हिमाचल जिताएंगे, मोदी को हराएंगे, जैसे टेक्स्ट
घुमाए जा रहे हैं। राहुल को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। राहुल में अंगार है, राहुल तो सुल्तान है। फुल इफेक्ट के साथ प्रमोशनल वीडियो बन रहे हैं, मोबाइल मोबाइल पहुंच रहे हैं। बॉडी दिखाना, कैमरे पर पुशअप मारना, भारत जोड़ो यात्रा की बदौलत फुल ऑन सियासी माहौल बनाने। मोदी के विरोधियों की हालत तो ये हो गई है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में वोटिंग के लिए राहुल लाइन में लगे, उसे भी ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया जाता है। राहुल चप्पल पहनकर वोट डालें, सोशल मीडिया की दुनिया में वो भी ट्रेंड करने लगता है। यानी चप्पल से लेकर सनस्क्रीन तक हर चीज को कुछ ध्यान में रखकर अलग अलग जगहों पर फिट किया जा रहा है। इरादा शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी। Which sunscreen are you using? I don't know. No sunscreen. No, sunscreen. No, I'm not using any sunscreen. नहीं टैनिंग हुई है, टैनिंग टैनिंग मेरा हुई मेरा है। बेटा भी कह रहा था सर, नहीं मैंने, वो घोड़ा खाल में पड़ता है, माँ ने भेजी है बट उसको मैं यूज नहीं कर रहा। एक लाइन में कहें तो केजरीवाल हो या राहुल, दोनों के दोनों इस वक्त परसेप्शन और प्रोजेक्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। एजेंडा एक ही है, बस किसी तरह रेस में आना। हम ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं, मगर हमारे लिए यात्रा को छोड़कर, मतलब सड़क पे चलने और डायरेक्ट जनता से मिलने के अलावा कोई चारा नहीं, रास्ता ही नहीं। ये सोचते हैं कि एक बार हमने कैप्चर कर दिया तो हिंदुस्तान चुप हो जाए, ये गलत फहमी में है। ये हिंदुस्तान चुप नहीं होने वाला, ये लड़ जाएगा। इस वक्त देश में चल रहे त्रिकोणीय सियासी मुकाबले का सबसे हॉट लोकेशन है गुजरात, लेकिन ये लड़ाई तीन अलग अलग लोकेशन से लड़ी जा रही है। नंबर वन दिल्ली, नंबर टू गुजरात और नंबर थ्री कर्नाटक का बेल्लारी। मोदी को गुजरात का किला एक बार फिर फतह करना है। मोदी के लिए दौरे की डेट फिक्स हो गई है। प्रधानमंत्री 19 और 20 अक्टूबर को एक बार फिर गुजरात के राउंड पर निकलेंगे। दूसरी तरफ मोदी और मोदी की जीत की राह में रोड ब्लॉकर की तरह खड़ी है आम आदमी पार्टी और उसके नेता। जबकि गुजरात से करीब 1500 किलोमीटर दूर कर्नाटक में रहकर भी राहुल गुजरात का एक एक अपडेट ले रहे हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सियासी स्टंट की बात करते हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए क्या बुलाया? सुबह से ही सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। स्क्रिप्ट वही थी, बस करेक्टर नए थे, लोकेशन दूसरी थी। जिस तरह संजय राउत ने गिरफ्तारी से पहले पूजा पाठ टीका और आशीर्वाद वाला इमोशनल स्टंट किया था, मनीष सिसोदिया ने भी सेम टू सेम वही स्क्रिप्ट कॉपी कर ली। जिस तरह राहुल पूरे तामझाम के साथ गाजे बाजे के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे थे, मनीष सिसोदिया का भी स्क्रीन पे पूछताछ से पहले सेम टू सेम वही था। वैसे ही रोड शो, वैसे ही कार्यकर्ताओं का हुजूम, वैसे ही कैमरा वाला पॉलिटिकल स्टंट। सुबह से हमने देखा कि पहले माता जी ने टीका लगाया और उसके बाद ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। ये पहली बार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के साथ इस प्रकार का ड्रामा हम देख रहे हैं। आप याद करिए, नवाब मलिक जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय रावत जी, ये सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे। और तो और, सत्येंद्र जैन जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने उनका स्वागत किया था। मगर इनमें से कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पाया, हर व्यक्ति आज जेल में है। और आज आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया भी यही कर रहे हैं। हम इसे स्टंट क्यों कह रहे हैं? इसे मनीष सिसोदिया के ट्वीट से समझिए। उन्होंने लिखा था कि वो सीबीआई मुख्यालय भी जाएंगे, पूरा सहयोग भी करेंगे।
अब कथनी और करनी में फर्क देखिए। घर से निकलते ही मैं पूछताछ में सीबीआई को पूरा सहयोग करूंगा वाली बात और सीबीआई दफ्तर पहुंचते ही आम आदमी पार्टी के नेताओं का हेट मोदी वाला प्रदर्शन। मोदी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गद्दी अपनी छोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ, मोदी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गद्दी अपनी छोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ। अरे दम है कितना दमन में तेरे, अरे हिकमत शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सीबीआई के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अब इसे दोहरा मापदंड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ वही पार्टी आज भ्रष्टाचार के आरोपों का जश्न मनाती दिख रही है और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मनीष सिसोदिया खुद को भगत सिंह बता रहे हैं। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। आजादी के लिए 30-30 साल के लड़कों ने कुर्बानी दी थी, देश आज फिर कुर्बानी मांग रहा है, देश आज फिर ऐसा सीना मांग रहा है जो जेल जाने से ना डरे, और हमें गर्व है कि हमको जेल जाने से नहीं डर सकता। इसलिए आज इनकी तैयारी है कि मुझे जेल में डाल दें। मैं इनकी जेल में डालने से नहीं डरता, इनकी सीबीआई और ईडी से नहीं डरता। मैं जानता हूं कि देश कुर्बानी मांग रहा है और हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमें आज मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, इसका अफसोस मत करना। अगर मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें देश के लिए कुर्बानी देने का अवसर आया है, हम कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखिए पूरा माहौल कैसे बना। सुबह तक बात सिर्फ सीबीआई की पूछताछ की थी लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी चालाकी से जेल वाला टेक्स्ट फिट कर दिया गया। मनीष सिसोदिया सड़क पर माहौल बना रहे थे, आम आदमी पार्टी की ट्रोल आर्मी ट्विटर पर बिजी थी और सारे बड़े नेता एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। पहले सौरभ भारद्वाज आए, फिर आतिशी आई, फिर दिलीप पांडे आए। जो जो कैमरे पर आया सबके सब ने वही एक बात दोहराई, जेल वाली कहानी सुनाई। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वह आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी के जान के पीछे पड़े हुए, इसको समझिएगा। हासिल यह करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से मनीष सिसोदिया जी गुजरात के अंदर चुनाव प्रचार करने ना पहुंच जाएं। आज मनीष सिसोदिया जी सीबीआई हेडक्वार्टर गए, जश्न मनाते हुए गए। आज मनीष सिसोदिया जी भगत सिंह का बसंती रंग पहन के गए और आज दिल्ली के सारे लोग उनके समर्थन में उनको आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़े। आज सरकार में आने के बाद उन्होंने कांग्रेस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जहां चुनाव होता है वहां पर ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स एक्टिव हो जाते हैं, तमाम नेताओं को जेल में डाला जाता है। यह सब उस वक्त हो रहा था जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की कोई खबर तक नहीं थी मगर केजरीवाल जेल वाला खेल शुरू कर चुके थे। केजरीवाल ने सोमवार को सिसोदिया पर जितने भी ट्वीट्स किए कमोवेश हर ट्वीट में जेल और गुजरात का जिक्र जरूर था। ऐसा लग रहा था मानो आज केजरीवाल की फेवरेट लाइन ही यही थी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। एक तरफ सोशल मीडिया पर जेल और गुजरात में होकर रहेगा बीजेपी का खेल वाला टेक्स्ट मोबाइल मोबाइल पहुंच रहा था, दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने भी खुद ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाला और मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ को फुल ऑन सियासी रंग देकर कितने बड़े लेवल पर किया गया। हमारे शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया, सुना है किस किसने सुना है मनीष सिसोदिया का नाम? अभी थोड़े दिन पहले वो गुजरात आए थे, उन्होंने कहा गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी गांव गांव के अंदर शहर शहर के अंदर ढेर सारे स्कूल बनाएंगे। अभी उन्होंने गुजरात आना था
लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। एक महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं मनीष जी को कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, आपके ना आने से प्रचार बंद नहीं होने वाला। ये सारी जनता प्रचार कर रही है, घर घर जाके प्रचार कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।